Hello students, once again I welcome you all to this video lecture series. हमने last lecture में synchronous alternator, synchronous generator के बारे में पढ़ा, V curves, inverted V curves और उसके alternator की working और बहुत सारे topics को पढ़ा. साथ ही साथ हमने numerical भी बनाए और उसी यूनिट में यूनिट नंबर 3 जो हमारा चल रहा है उसमें जो उसके रिलेटेड एक टॉपिक है वह है सिंक्रोनस मोटर्स. लेकिन ये आपके अलग से टॉपिक मेंशन नहीं है, बट हमें इसके बारे में भी पढ़ना चाहिए, इसको भी हमें एक साथ में लेना चाहिए. तो चलिए देखते हैं कि सिंक्रोनस मोटर्स कैसे काम करते हैं, क्या है और इनके बारे में. सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक. सो फर्स्ट, एक सिंक्रोनस जनरेटर दैट इज अल्टरनेटर, द सिंक्रोनस अल्टरनेटर एज वेल एज मोटर, बोथ दोनों क्या होंगे? सबसे पहली बात कि ये सिंक्रोनस स्पीड पर ही चलेंगे. अब आपके मन में क्वेश्चन ये आएगा कि अल्टरनेटर तो इनपुट मैकेनिकल होता है. तो मैंने आपको बताया कि अल्टरनेटर इनपुट जब हम NS के बराबर मतलब सिंक्रोनस स्पीड पर जब तक उसके नहीं घुमाएंगे तब तक वो क्या नहीं करेगा, फुल लोड आउटपुट वोल्टेज नहीं देगा, मतलब वो भी सिंक्रोनस स्पीड पर ही चलेगा. देन मोटर की बात करें तो मोटर इज़ ए इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल कन्वर्जन डिवाइस. तो सिंक्रोनस गति पर ही सिंक्रोनस मोटर चलेगी. अगर हम उसे किसी और गति पर चलने देते हैं या मोटर अगर चलती है तब हम उसे यहाँ सिंक्रोनस मोटर नहीं कहेंगे. क्लियर है? अब हम बात करें अपने कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स की. तो अल्टरनेटर क्या करेगा, वोल्टेज आउटपुट देगा, वोल्टेज. और मोटर जो है वो क्या करेगा, वो टॉर्क, टॉर्क आउटपुट या एचपी हॉर्स पावर में देगा वो आउटपुट. क्लियर? ये हमारा क्या हुआ, आउटपुट की बात हुई. अब थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं. तो कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही सेम है. क्या है, सेम है, कोई समानता कोई असमानता नहीं है. क्लियर? कंस्ट्रक्शनली दोनों सेम होते हैं. सिंक्रोनस मशीन जो होती है वो एक जैसी काम करती है, बस इनपुट आउटपुट के हिसाब से उनमें अल्टरनेटर और मोटर बनाया जाता है. अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि अल्टरनेटर, मान लीजिए एक ऐसा हमने पढ़ा कि अल्टरनेटर में क्या होते हैं, तो वहाँ पर यहाँ आर्मेचर के कंडक्टर्स होते थे, जैसा आपको याद होगा. यहाँ एक रोटर होता था जो कि क्या करता है, घूमता है, और इसे क्या करते हैं, डीसी सप्लाई दी जाती है, प्लस एंड माइनस डीसी. और यहाँ से हमें क्या मिलता है, एसी, थ्री फेज एसी आउटपुट मिलता है. तो इसे शाफ्ट को क्या किया जाता है, शाफ्ट पर रख करके शाफ्ट को प्राइम मूवर से घुमाया जाता है किसी स्पीड पर, सिंक्रोनस गति पर. तो ये फुल लोड आउटपुट वोल्टेज थ्री फेज का दे देता है. अब मोटर की बात करें तो मोटर में ये सब काम जस्ट अपोजिट होंगे. हमें यहाँ शाफ्ट का आउटपुट चाहिए, मतलब मैकेनिकल पावर चाहिए इस रोटर को घुमाना है. तो घुमाने के लिए अब सप्लाई हमारे पास रहेगी, इलेक्ट्रिकल इनपुट रहेगा और मैकेनिकल आउटपुट रहेगा. क्लियर है? तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है. बट कंस्ट्रक्शन वाइज अगर बात करें तो दोनों ही सेम होते हैं. अब थोड़ा सा हम मोटर के ऑपरेशन को देखते हैं कि कैसे मोटर जो है वो ऑपरेट होती है. तो ये मैं एक सिंक्रोनस मोटर आपके लिए बना देता हूँ. और यदि हम इसके कुछ इस तरह से हम इसको बना देते हैं और ये रोटर, मैं सेलिएंट रोटर लेता हूँ, सेलिएंट नॉन सेलिएंट कुछ भी लीजिए, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन विल बी सेम. क्लियर? और यहाँ पर उसकी जो वाइंडिंग होती है दैट इज थ्री फेज आर्मेचर कंडक्टर्स. ये जो ब्लू से हम देख रहे हैं इसे मान लीजिए थ्री फेस आर्मेचर कंडक्टर्स हैं.
और आउटपुट के लिए ये सॉरी इनपुट के लिए ये तीन थ्री फेस की एसी इनपुट यहाँ होगा, क्लियर। और रोटर विल बी, दिस रोटर विल बी कपल्ड टू अ मैकेनिकल लोड। और यहाँ पर हमें क्या देते हैं, यहाँ पर हम देते हैं प्लस एंड माइनस ऑफ डीसी एक्साइटेशन। तो भाई काम तो आपकी मशीन करने लगेगी जैसे ही आप यहाँ थ्री फेस की एसी सप्लाई दिए, तो होगा क्या, तो यहाँ देखिए जैसे एक मशीन ये बनाया मैं और यहाँ पर मैं इसको क्या कर दिया, थ्री फेस की सप्लाई दे दिया, तो ये जो उसका थ्री फेस की वाइंडिंग है यहाँ पर सपोज, वो क्या करेगी, वो एक फ्लक्स जनरेट करेगी, फ्लक्स क्योंकि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिकल करंट तो चलने लगेगा और वो एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। और मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाती है, तो एक वो फ्लक्स डेवलप करती है, जो फ्लक्स क्या करता है इसके पूरे चक्कर लगाते रहता है, यहाँ पर चक्कर लगाते रहेगा, किस गति से, सिंक्रोनस गति से, किस स्पीड से चलेगा, सिंक्रोनस स्पीड से चलेगा। इसका जो प्रूफ है ये हम लोग यूनिट नंबर 4 में देखेंगे, बट अभी आपको याद रखना है। तो इसे कहते हैं हम RMF, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र, ये स्थिर नहीं है, ये घूम रहा है। देन अब हम बात करें कि भाई ये घूमने लगा, तो यहाँ जो शाफ्ट है, यहाँ पर मान लीजिए ये एक शाफ्ट, सॉरी शाफ्ट के ऊपर एक आपका रोटर रखा हुआ है, तो ऑब्वियसली रोटर के कंडक्टर्स को, रोटर के जो कंडक्टर्स हैं उनको क्या करेगा, ये यहाँ पर कट करेगा। अब कट करेगा तो यहाँ पर क्या होने लगेगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये जो शाफ्ट है, ये जो रोटर लगा हुआ है, ये रोटर क्या करने लगेगा, घूमने लगेगा। किस दिशा में घूमेगा, जिस दिशा पर ये हमारा फ्लक्स घूम रहा है उसी दिशा पर। क्यों घूमेगा, क्योंकि हमें पता है E इज इक्वल्स टू एन डी फाई बाई डी टी। तो यहाँ पर जो N, ये जो माइनस साइन है, इसके कारण ये घूमता है, ये दोनों आपस में क्या होने लगेंगे, रोटर का जो फील्ड बनेगा और यह घूमने की दिशा बनेगी, और स्टेटर की जो घूमने की दिशा बनेगी वो क्या होगी, वो एक ही दिशा में होगी। दोनों आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करना चाहेंगे, कैंसल आउट करना चाहेंगे, जीरो बनाना चाहेंगे, ठीक है। तो दोनों के बीच जो रिलेटिव मोशन या रिलेटिव चेंज बोल सकते हैं वो क्या होगा, जीरो होना चाहेगा। तो रोटर का जो फील्ड है वो क्या करेगा, इसको कैच करने की कोशिश करेगा। ये जो घूमता हुआ आपका NS है, दैट इज स्टेटर फील्ड, इसको रोटर का फील्ड क्या करेगा, NR, मान लीजिए NR स्पीड से ये चल रहा है, रोटर का स्पीड है, तो ये इसको कैच करने की कोशिश करेगा, लेकिन ये कैच नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके जो फील्ड इंड्यूस होगा वो देखिए आर्मेचर, मान लीजिए ये रोटर है और ये स्टेटर है, तो स्टेटर में मान लीजिए मैं 10 यूनिट पावर इनपुट दिया, ठीक है, सपोज 10 यूनिट इनपुट पावर दिया, तो यहाँ पर क्या है, एयर गैप है, ये तो पूरा एयर गैप है, तो एयर गैप से पावर कहाँ आएगा, रोटर पे, कैसे आएगा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा। तो जब ये पावर इधर आएगा तो क्या 10 यूनिट यहाँ पर भी मिलेगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये जो 10 यूनिट का जो कुछ पावर है वो क्या हो जाएगा, यहाँ एयर गैप को पार करने के लिए उसको रिक्वायर्ड है, वहाँ लॉस में जाएगा, और मान लीजिए 8 यूनिट पावर यहाँ इसे मिला, तो चेंज इन पावर हो रहा है, तो क्या ये उसी गति से फ्लक्स बना पाएगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसका जो वॉल्यूम है या पावर की जो क्वांटिटी है वो कम हो गई। तो ऑब्वियसली इस स्पीड से जो 10 यूनिट का फ्लक्स चल रहा था, उस स्पीड से 8 यूनिट का फ्लक्स तो नहीं चल पाएगा। दैट्स वाई NS जो होगा, सिंक्रोनस स्पीड होगा, स्टेटर की स्पीड अभी बोल सकते हैं, वो रोटर की स्पीड से क्या होगी, हमेशा ज़्यादा होगी, और ये हमेशा इसको क्या करेगा, ये NS से चल रहा है, ये आगे पहुंच गया, ये यहाँ पर आया, फिर ये आगे चला गया, फिर ये यहाँ पर आया, ऐसा करते हुए ये क्या करेगा, उसके पीछे पीछे, ये इधर आया तो वो पीछे, फिर ये आगे बढ़ गया, ये यहाँ पर, फिर ये आगे, तो उसी दिशा पर ये भी घूमने लगेगा। अब बात आती है कि भाई हमें तो मोटर को सिंक्रोनस बनाना है, तो ये तो सिंक्रोनस गति से नहीं चल रहा है,
तो ये हमारा सिंक्रोनस मोटर होगा क्या? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो अब हम देखते हैं कि सिंक्रोनस मोटर कैसे बने। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर मोटर को स्टार्ट कराएंगे। कैसे स्टार्ट कराएंगे? हम डीसी एक्साइटेशन देते हैं, ठीक है। तो डीसी एक्साइटेशन के बिना तो ये चालू होगी नहीं, ये तो हमने अल्टरनेटर में देख लिया। तो यहाँ पर अल्टरनेटिव मान लीजिए नॉर्थ और साउथ, ऐसा एक पोल बन गया। अब इसका जो नॉर्थ साउथ पोल है, और इसमें भी पोल्स बनेंगे नॉर्थ साउथ, भाई इसमें तो बहुत सारे मल्टीपोलर हो सकता है ये, ठीक है। नॉर्थ साउथ ऐसे बहुत सारे, डिपेंडिंग अपॉन कि ये कितने पोल्स के लिए स्टेटर की वाइंडिंग की गई है। तो जब ये नॉर्थ और ये नॉर्थ आएगा, तो आपको क्या लगता है इन दोनों के बीच में कैसी बॉन्डिंग होगी? क्योंकि नॉर्थ और नॉर्थ पोल, जब भी नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल आते हैं तो कैसी बॉन्डिंग होती है? रिपल्शन होता है। जब नॉर्थ और साउथ पोल आते हैं तब क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पर इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कहीं ये कैच करेगा नॉर्थ टू, ये साउथ पोल कहाँ जाएगा? तो जब नॉर्थ पोल के इन्फ्लुएंस में आएगा, और नॉर्थ पोल जब साउथ पोल में जाएगा, तो वहाँ पर क्या होगा, ये कैचअप करेंगे। लेकिन जब कैचअप कर लेंगे, सपोज मैं उसको कुछ इस तरीके से बना के बताता हूँ, यहाँ इसका नॉर्थ पोल, ये इसका साउथ पोल, और यहाँ पर मान लीजिए ये साउथ आ गया, ये नॉर्थ आ गया। तो अब दोनों के बीच क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये स्टेटर का फील्ड और अंदर वाला ये रोटर का फील्ड, दोनों क्या हो गया, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसके कारण क्या होगा, दोनों के बीच इंटरलॉकिंग हो जाएगी, इंटरलॉकिंग ऑफ फील्ड, दोनों के फील्ड आपस में क्या हो जाएगी, लॉक हो जाएगी। लॉक होने का मतलब है, अब स्टेटर जिस दिशा पर, जिस गति से घूमेगा, रोटर भी उसी गति से घूमेगा। क्यों? क्योंकि ये इसके साथ में मैच कर लिया है, दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एक तरह से मैग्नेटिक फोर्स लग गया है। तो भाई ये जितने तेजी से ये घूमने लगेगा, वैसे ही ये भी घूमने लगेगा। तो अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे यहाँ की फील्ड चल रही थी, वैसे ही ये रोटर भी घूमने लगा। तो ये रोटर अब किस में चलने लगा, सिंक्रोनस गति पर। और यही सिंक्रोनस गति क्या होगी, इस मोटर को क्या बनाएगी, सिंक्रोनस मोटर बना देगी। तो आपको थोड़ा सा याद रखना है कि सिंक्रोनस मोटर जो है तभी कहलाएगा जब इसका रोटर सिंक्रोनस गति से चले। यदि ये सिंक्रोनिज्म, इसे बोलते हैं सिंक्रोनिज्म अटेन कर लेना, इंटरलॉकिंग जो फेज आया ये सिंक्रोनिज्म अटेन कर लिया। लेकिन जब सिंक्रोनिज्म अटेन कर लिया है, इसके बाद में कभी मान लीजिए डीसी चला गया, या डीसी का जो इनपुट है वो हटा दिया गया या चला गया, तो इन दोनों के बीच जो लॉकिंग है वो तो खत्म हो जाएगा, तो क्या मोटर रुक जाएगी? लेकिन थ्री फेज सप्लाई अभी भी चल रहा है, ठीक है। तो उस केस में मान लीजिए डीसी हटा दिया गया है, तो क्या मोटर मेरी रुक जाएगी? तो आंसर इज नो। क्यों नहीं रुकेगी? क्योंकि हमने अभी देखा इस डायग्राम में कि स्टेटर जैसे जैसे घूमने लगा, रोटर उसके पीछे पीछे चलने लगा। हम डीसी दिए, लॉकिंग हुआ, सिंक्रोनस से चला, बट विदाउट डीसी भी तो यह घूम रहा था। तो जब ऐसा हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि डीसी इज रिक्वायर्ड ओनली फॉर सिंक्रोनिज्म, इंटरलॉकिंग। इट मीन्स डीसी के बिना भी हमारी सिंक्रोनस मोटर चल जाएगी, बट सिंक्रोनस स्पीड पर नहीं चलेगी। उस समय उसे एनएस से क्या होगा, कम स्पीड पर चलेगा, सब सिंक्रोनस स्पीड जिसे बोलते हैं, क्लियर है। तो वहां पर हम क्या बोलेंगे कि मोटर जो है दैट इज नॉट ए सिंक्रोनस मोटर, वहां पर हम उसे तुल्यकालिक मोटर नहीं बोलेंगे, वहां पर बल्कि उसे हम बोलेंगे इंडक्शन मोटर। आगे चैप्टर 4 में और डिटेल में बताऊंगा। तो सिंक्रोनस मोटर को अब इस तरह से कुछ स्टार्ट किया जाता है, लेकिन बात यह आती है कि सिंक्रोनस मोटर को गति पकड़ाने के लिए, इस मैग्नेटिक लॉकिंग को अटेंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर कुछ अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं। ऐसे ही ये डीसी देने से ही खाली हो तो जाएगा, बट किस मूमेंट पर दिया जाए, ये बहुत जल्दी पिकअप नहीं करता है, क्लियर है। तो जो डिफरेंस होता है वो लगभग 200 इस रेंज में रहता है, 5-6% का स्लिप वहाँ आपको दिखेगा ही। तो उसको अटेंड करने के लिए क्या करते हैं, मोटर को कुछ तरीके हैं इनको स्टार्ट करने के। तो हम यहाँ पर लिखते हैं जो हमारा इसी से रिलेटेड टॉपिक है, स्टार्टिंग ऑफ
सिंक्रोनस मोटर मेथड से ये कैसे सिंक्रोनस मोटर को चलाया जाएगा। तो इसमें सबसे पहला जो मेथड है उसे हम बोलते हैं इंडक्शन मोटर स्टार्ट। इंडक्शन मोटर स्टार्ट, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए ये जो सिंक्रोनस मोटर है मान लीजिए, और यहाँ एक इंडक्शन मोटर है, ठीक है। तो इसके बीच ये इंडक्शन मोटर, ये सिंक्रोनस मोटर, इसका शाफ्ट इससे कपल करा देंगे, क्लियर है। और ये तो थ्री फेज इसमें दिया जाएगा, थ्री फेज इसमें भी दिया जाएगा, थ्री फेज की होगी डिपेंड की ये आईएम, और ये भी सिंक्रोनस मोटर यहाँ दे देंगे। देन यहाँ पर क्या होगा, लेकिन अभी यहाँ डीसी सप्लाई को हम नहीं जोड़ेंगे, ठीक है, डीसी अभी नहीं दिया गया है। तो जब इनिशियली यहाँ थ्री फेस और ये मोटर चलने लगी, तो जब ये घूमेगी तो ये भी घूमने लगेगी। बट यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि ये जो सिंक्रोनस मोटर है वो क्या एनएस पर घूमेगी, नहीं, 120 f/p यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या ये सिंक्रोनस मोटर इस इंडक्शन से कपल होकर सिंक्रोनस गति पर घूमेगी, नहीं घूमेगी। लेकिन क्यों ऐसा करते हैं, सिंक्रोनस मोटर को उस गति पर लाने के लिए ये ऐसा मेथड ऑफ स्टार्टिंग करना पड़ता है। तो मान लीजिए कि ये n नंबर ऑफ पोल्स इस मोटर के हैं, मान लीजिए कि 4 पोल्स हैं, तो इंडक्शन मोटर जो हम लेंगे वो हमेशा n-2 नंबर ऑफ पोल्स का लेना पड़ेगा। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसके लिए मैं ये फॉर्मूला लिखा हूँ। मान लीजिए ये 4 पोल का है, तो ns कितना हो गया इसके लिए, 120 × 50/4, दैट इज 1500 rpm, याद होगा आपको बताया था निकालना। अब इसकी बात करें इसकी स्पीड की, तो अगर इसे भी 4 पोल का रखूंगा तो ये भी उत्ते पे ही घूमेगा, यहाँ पर भी 1500 rpm, लेकिन यहाँ पर 1500 rpm से कम में घूमेगा क्योंकि ये इंडक्शन है। देन यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, 2 पोल की लेंगे, n-2 लगाते हैं, 2 पोल्स, तो इसका एनएस कितना आ जाएगा फॉर इंडक्शन मोटर, 3000 rpm। इसको घूमना कितने में है, 1500 पे। तो क्या ये मोटर इसको 1500 तक ले जाएगा, बिल्कुल ले जाएगा, 3000 rpm में चलेगी ये, तो ड्राइव तो कर सकता है, ठीक है, बिल्कुल करेगा। और जैसे ही, अब ध्यान रखने वाली बात है कि जैसे ही ये सिंक्रोनस मोटर हमारे क्या होने लगेगी, सिंक्रोनिज्म की ओर जाने लगेगी, क्योंकि ये इसकी स्पीड को बढ़ाएगा, हमने थ्री फेज दिया, ये चलने लगा इसके साथ में कपल हो करके, जैसे ही ये क्या हुआ सिंक्रोनस गति पर पहुंचा, हम डीसी सप्लाई को ऑन कर दिए, और जैसे ही ऑन किए लॉकिंग हो गई। अब जब लॉकिंग हो गया तो अब तो वो किसी भी स्पीड पर चले वो क्या करते हैं, वो तो लॉक हो गया, तो जब तक डीसी रहेगा तब तक तो वो चलता ही रहेगा। अब हम इसको क्या करते हैं, कपलिंग हटा देते हैं, इस कपलिंग को हटा दिए, तो अब जो हमारी मोटर है वो किस में चलने लगी, सिंक्रोनस स्पीड पर, और ये मोटर स्टार्ट हो गई। इसे इंडक्शन मोटर स्टार्ट प्रेरण मोटर प्रारंभ विधि कहा जाता है। और इस छोटी मोटर को, छोटी मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये 4 पोल की, तो ये 2 पोल की तो छोटी होगी मशीन, इस स्पेशल टाइप की इंडक्शन मोटर को क्या कहा जाता है, पोनी मोटर, पोनी टेल, आप लोगों ने सुना होगा, खासकर जो गर्ल्स हैं उनको पता होगा कि पोनी टेल एक होता है, ठीक है, तो वो यहाँ पर कहा जाता है, ठीक है, इसे पोनी मोटर मतलब छोटी मोटर की स्टार्ट कहा जाता है, क्लियर है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट जो हमारा मेथड ऑफ स्टार्टिंग है उस पर। तो नेक्स्ट मेथड ऑफ स्टार्टिंग हमारा जो है वो होगा आपका जो सेकंड मेथड है, दैट इज डीसी मोटर स्टार्ट। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी हो सकता है बट इजी है। डीसी मोटर स्टार्ट में क्या होगा, आपका जो सिंक्रोनस मोटर है ये वाला, ये थ्री फेज वाला, ठीक है, ये सिंक्रोनस मोटर, और यहाँ पर लगा रहेगा डीसी। अब यही जो डीसी मोटर है तो भाई ये तो डीसी सप्लाई से चलेगा ना, प्लस एंड माइनस, डीसी मोटर तो डीसी सप्लाई से चलेगा, तो
यहाँ पर इसे क्या किया जाएगा, इसके साथ में अगेन सेम मेथड कपल कर दिया जाएगा और इसे घुमाया जाएगा किसकी सहायता से, इस डीसी मोटर की सहायता से। बस हमने इंडक्शन को डीसी से रिप्लेस कर दिया, बट थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है कि जब ये सिंक्रोनस मोटर अपने सिंक्रोनिज्म पर आ जाएगी, डीसी मोटर इसको सिंक्रोनिज्म तक ले जाएगा, सिंक्रोनस स्पीड पकड़ा दिया, जब ये सिंक्रोनस गति से घूमने लगा तो यहाँ पर हमें अलग से डीसी सप्लाई देने की आवश्यकता नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि एट द सेम टाइम ये जो डीसी मोटर था वो क्या बन जाएगा, जनरेटर बन जाएगा जब वो सिंक्रोनस गति पर आ जाएगा। क्योंकि डीसी मोटर क्या है, जब उसके स्पीड को बढ़ाया जाता है, ठीक है आगे पढ़ेंगे इसको, तो वहाँ पर ये क्या करने लगेगा, पहले मोटर था तो पावर ले रहा था, अब यही पावर क्या करने लगेगा, इसके शाफ्ट में डिलीवर करने लगेगा, दैट इज रोटर पे, तो ये डीसी जनरेटर की तरह काम करेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमें अलग से डीसी सप्लाई लगाने की आवश्यकता नहीं हुई, डीसी मोटर से इसको चालू करा दिए और वो जनरेटर की तरह भी काम करने लगा, तो दैट इज डीसी मोटर स्टार्ट। नाउ द थर्ड केस, जो है वो है डैम्पर वाइंडिंग, ठीक है, इसको एमोर्टिशर वाइंडिंग्स भी कहा जाता है, पीएस भीमरा की में आपको मिलेगा डैम्पर वाइंडिंग। अब डैम्पर वाइंडिंग क्या है, तो ये हमारा जो रोटर है, इस रोटर के साथ में कॉपर की प्लेट्स क्या कर दिया जाता है, लगा दी जाती है रोटर वाइंडिंग के साथ, और ये जो कॉपर की जो प्लेट्स हैं, ये जो पट्टियां हैं, बार्स हैं, ये कॉपर की बार्स को शॉर्ट सर्किट की तरह काम करती है। तो होता क्या है, जब यहाँ हम प्लस एंड माइनस डीसी सप्लाई देंगे, तो जब मान लीजिए ये पूरा मोटर है, तो यहाँ पर क्या किया जाता है, जब यहाँ इसे शुरू में तो इनिशियली ये क्या करेगा, ये एज अ थ्री फेस इनपुट दिए, थ्री फेस इनपुट ये लेगा, और रोटर के ये जो बार्स हैं, ये बार क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेंगे। अब आपको ये तो याद है, ये तो पता है कि किसी भी शॉर्ट पाथ में, अगर मान लीजिए शॉर्ट पाथ है, इसमें करंट ईएमएफ है, यहाँ पर वोल्टेज है डेवलप, तो यहाँ पर क्या होगा, करंट फ्लो होने लगेगा, और इस करंट फ्लो के कारण यहाँ वी इन टू आई में से पावर, दैट मीन्स कि ये जो शॉर्टिंग है, ये जो डैम्पर बार्स की शॉर्टिंग हो रही है, ये क्या करेगा, इसको सिंक्रोनिज्म की तरफ पुल कर लेगा, इसको ऐसा वर्ड लिखा रहता है, पुल अप टू द सिंक्रोनिज्म, और जब ये सिंक्रोनिज्म पर पहुंच जाएंगे, तब डीसी सप्लाई हम क्या कर दिए, उस समय चला दिए, ठीक है, डीसी सप्लाई ऑब्वियसली यहाँ तो चले गई, फिर उसके बाद डीसी सप्लाई को चला दिए, तो ये जो डैम्पर बार्स हैं, उस समय जब डीसी ऑन हो जाता है, तब ये क्या करते हैं, तब ये इसका जो ईएमएफ डेवलप हुआ था वो वहाँ से हट जाता है, मतलब एक सिंपल सा ये रोटर बार की तरह रोटर कंडक्टर के साथ चलते हैं, और मोटर जो है वो सिंक्रोनस गति को प्राप्त कर लेती है। तो डैम्पर वाइंडिंग, ये जो स्टार्ट है, ये कॉमनली यूज्ड स्टार्ट है, इसे बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये सिंपल होता है, ईजी होता है टू कंट्रोल एंड हैंडी, बिकॉज हम बाहर से कोई भी अलग से इसमें मशीन नहीं जोड़ रहे हैं, इसके शाफ्ट को किसी से भी कपल नहीं किया जा रहा है, तो ये ईजी ऑफ ऑपरेशन, सिंपलर इन कंस्ट्रक्शन एंड हैंडी टू एफिशिएंसी वगैरह इसकी अच्छी रहती है, बहुत ही सुविधाजनक रहती है, इसी के कारण डैम्पर वाइंडिंग स्टार्ट को ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। तो सिंक्रोनस मोटर्स आपने देखा, अगर आप एक चीज़ ध्यान देंगे यहाँ, कि जो सिंक्रोनस मोटर है और जो सिंक्रोनस जनरेटर दैट इज़ अल्टरनेटर है, इन दोनों में अगर मैं कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो देर इज़ नो डिफरेंस, दोनों सेम है। आउटपुट इनपुट तो ऑब्वियसली इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, डिफरेंस है। प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन डिफरेंस है, बिल्कुल है, इनपुट आउटपुट चेंज, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन चेंज। देन स्टार्टिंग मेथड्स, ऑब्वियसली देर इज अ चेंज, केवल कंस्ट्रक्शन पे आप देख रहे हैं कि कोई चेंज नहीं है। तो यहाँ पर मैं
अगर एक कॉमन टेबल जैसा एक ड्रॉ करूं, तो ये मेरा सिंक्रोनस मोटर एंड जनरेटर बनता है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे। तब तक बी हैप्पी, कीप रीडिंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।